खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है, जहां आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बैराड़ के पैराडाइज पब्लिक स्कूल बैराड़ पर आयोजित कार्यक्रम में शिवपुरी डीसीपी अंगद सिंह तोमर का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील बैराड़ के अध्यक्ष और संचालक गुरुकृपा हायर सेकेंडरी स्कूल बैराड़ धर्मेंद्र सिंह धाकर ने मुख्य अतिथि का शॉल शिफल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीपीसी अंगद सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर शासन की योजनाओं को क्रियान्वयन समय के भीतर करना चाहिए। इसके लिए समय समय पर हमारे बीआरसी बीएसी सी आप सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से कहा कि विद्यालय संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। इस अवसर पर उपस्थित सभी संचालकों ने सभी अतिथियों का शॉल शिवर भेंट कर स्वागत भी किया। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में किया गया है? कार्यक्रम शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर है, किस तरह उन्हें समय सीमा में पूर्ण करना है, जिससे कि जो ग्रेडिंग हमारी जो गिरी है उसमें परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। वर्तमान में जो ग्रेडिंग हमारी 16 थी, इस बार जो ग्रेडिंग आई है तिमाही उस वो 32 हो गई है। इसलिए उसे एक परिवर्तन कर और एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाकर, क्योंकि जिला शिक्षा केंद्र का जो भी कार्य है वो कोऑर्डिनेशन के आधार पर होता है, तो मिलकर उसे एक बेहतर बनाने का एक प्रयास हम लोगों का है। उसी तारतम्य में आज इनके साथ एक सामान्य सी बैठक का आयोजन किया गया था कि जी अपने विचारों की प्रस्तुति दे सकें, अपनी कठिनाइयों को अवगत करा सकें और हम भी जो हमारे मुद्दे हैं, जो शासन की योजना है, वो हम इन तक पहुंचा सकें।